हमारे आसपास बहुत लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग खूबी होती है, लेकिन आमतौर पर हम सभी एक समान दिखते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हमसे अलग है और वे हमें मिल नहीं सकते, क्योंकि वे कुछ खूबियों के साथ पैदा हुए थे जो उनको हमसे अलग बनाती है। लेकिन यह जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल VRN1 को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप हमारे रेगुलर अपडेट से जुड़े रहे। तो हम अब बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो आमतौर पर हमसे अलग है। इस सूची में नंबर 1 पर है निक स्टोवर मॉन्ट्रे। यह कैलिफोर्निया में रहते हैं। यह एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन इनकी जीभ की लंबाई कुछ खास है जो उनको हमसे अलग बनाती है। इनकी जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इस जीभ के होने के कारण भी यह अपना जीवन सामान्य रूप से बिताते हैं। नंबर 2 पर आते हैं मराकस में रहने वाले ब्राहिम टकीला। इनका शरीर तो आमतौर पर सामान्य है, लेकिन इनके पैरों के तलवे की लंबाई इन्हें हमसे अलग बनाती है, क्योंकि इनके पैरों की लंबाई बहुत बड़ी है। नंबर थ्री पर आते हैं सबसे लंबे पैरों वाली महिला। इस महिला की पैरों की लंबाई 120 सेंटीमीटर से अधिक है और यह लंबाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, लेकिन फिर भी यह महिला अपने असामान्य पैरों से काफी खुश है। नंबर 4 पर आते हैं सबसे लंबे नाखून वाली महिला। आमतौर पर लोग अपने नाखूनों को हफ्ते भर से काटते रहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने 1979 से नाखूनों को काटना बंद कर दिया था और 2009 में एक कार एक्सीडेंट में इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। नंबर 5 पर आते हैं सबसे लंबे बालों वाला रिकॉर्ड वियतनामी के नाम दर्ज है। आमतौर पर देखा जाता है कि 1 या 1.5 मीटर लंबे होने के बाद बालों का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन महापुरुष ने 21 वर्ष की आयु के बाद ही बालों को कटवाना बंद कर दिया। अब वर्तमान में इनकी आयु 68 वर्ष हो चुकी है, पर इनके बालों की बात करें तो इनके बालों की लंबाई 7 मीटर से अधिक है। इन्हें बताते हैं कि पिछले 6 वर्षों में इन्होंने अपने बालों को धोना बंद कर दिया, केवल इन्हें लपेटते हैं। यह सब करने के लिए इन्हें एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।